श्री राधे राधे। भक्तों, महान भक्तों संतों के साथ यात्रा करने का आनंद लीजिए, कभी ऐसा संयोग बने तो। हिमालय के कितने कितने तीर्थ हैं, कहीं तो तेज सर्दी, कहीं हल्की गर्मी, कहीं जल ही जल मिलता है, कहीं सूखा पर्वत मिलता है, बदलता रहता है। पैदल चलना पड़ता है, कहीं कहीं गाड़ी मोटर का भी साधन बन जाता है। किशोरी माता के साथ आप लोग चरित्र में यात्रा कर रहे थे। मसूरी में जो धूप 1 से 4 बजे तक सुखद प्रतीत हो रही थी, वही 7-8 मील नीचे आते ही 5.5 से 6.5 बजे तक कष्टकर प्रतीत होती थी। किशोरी जी 7:30 बजे अपने ठीक समय पर रुड़की वापस आकर विश्व कल्याण प्रार्थना का लाभ भक्तों को प्रदान करते रही। और उसके बाद भक्तों, किशोरी जी भक्तिमती अपनी जो वसंती मैया थी पंत, उनके साथ लगभग 40 भक्तों के साथ, उनमें भक्त भक्ता दोनों तरह के लोग थे, विद्या बहन के मौसा पंत जी जो थे, उनके नेतृत्व में रुड़की से 10:15 बजे कार द्वारा बद्रीनाथ और केदार के लिए प्रस्थान किया, केदारेश्वर और बद्रीनाथ के लिए। साथ में विद्या बहन और उनके भाई भी थे। 12 बजे दिन में स्वर्ग द्वार, जिसको ऋषिकेश कहा जाता है, वहाँ पहुँच करके उपस्थित गेट के पीछे विदा हो व्यासी चट्टी पधारी। प्रसाद सेवन माता का बड़ा भक्तिपूर्ण होता था, लीला आप कह सकते हैं उसको। और उसके बाद सायं 5 बजे देवप्रयाग होकर किशोरी जी भक्त मंडली समेत सायं 6 बजे अलकनंदा तथा भागीरथी गंगा के संगम पर पहुँचे। दोनों गंगाओं के प्रचंड वेग के कारण वह घाट में जल पर्यंत लोहे की कई लंबी सीकड़ें जड़ी थी। उन्हें पकड़कर सभी से कहा गया कि बहुत सावधानी से स्नान करो। तो उस स्नान का भी आनंद मिला। और घाट पर 2 गुफाएं थीं, एक भागीरथी गंगा की और दूसरी थी श्री अलकनंदा जी की। ओर उन्हें चंद्र और सूर्य की गुफा कहते हैं। चंद्र गुफा में एक पुराने संत आसीन थे महाराज, उस समय जब माता गई थी। किशोरी जी अकस्मात उन्हें दर्शन देने पधारी, जैसे उनकी तपस्या का फल दे रही थी। महात्मा जी ने आसन प्रदान द्वारा उनका उचित सत्कार किया। परिचय प्राप्त होने पर उन्होंने बताया कि हमें लगभग 2 सप्ताह श्री कार्तिकेय जी महाराज का संग प्राप्त हुआ था, और ये बात लगभग 25 साल पहले की है। महाराज, उन्होंने कहा कि मेरे मन में आता था कि मैं कभी आपका भी दर्शन करूं, और आज प्रभु की कृपा से दर्शन आपका मिला मुझे। उच्च कोट के संत थे, केवल वृक्षों के नीचे रहा करते थे। वृक्षों के नीचे जैसे रहते थे ना महाराज जी, कार्तिकेय जी ऐसे संत थे वो। और सद्गुरु महाराज के वो परिचित महात्मा जी गायत्री माता के विशेष उपासक होने के कारण बहुत दिनों गायत्री बाबा के नाम से ही प्रसिद्ध थे। वास्तव में एक महान तपस्वी संत थे, हर कोई ऐसा कर नहीं सकता जैसे बाबा रहते थे। सूर्यास्त हो जाने पर श्री किशोरी जी वापस निवास स्थान पधारी तथा विश्व कल्याण की प्रार्थना करके सामने भागीरथी गंगा की कल कल ध्वनि का श्रवण करते हुए उन्होंने विश्राम किया।
रात्रि में लगभग 9 बजे से शीतल वायु का संचरण प्रारंभ हो गया था और कुछ घंटे बाद ही कंबल आदि की जरूरत पड़ने लगी। स्वर्गाश्रम से देवप्रयाग तक की यात्रा भागीरथी गंगा जी किनारे किनारे होती है तो उसका आनंद भक्तों को प्राप्त हुआ। और ये देवप्रयाग जो है भक्तों, ये पर्वतमालाओं के बीच में बहुत सुंदर जगह है, 1630 फीट ऊंचाई के ऊपर, हरिद्वार से 60 मील दूर मुख्य विश्राम स्थल है और सुविधाएं भी अच्छी हैं वहाँ। तो वहाँ 4 बजे उठ करके भक्त भक्ताएं प्रभु स्मरण पूर्वक प्रातःकालीन क्रियाओं में तल्लीन हुए और कुछ लोगों ने तो किशोरी जी के साथ साथ संगम पर स्नान किया। घाट और पुल के बीच ऊपरी भाग में भगवान श्री राम का मंदिर है, उसके आसपास हनुमान जी तथा शिव जी आदि के मंदिर हैं। बस का प्रथम गेट लगभग 7 बजे खुला तो सर्वसम्मत से किशोरी जी उसी गेट से आगे बढ़ चले और देवप्रयाग से ही कुछ टीका आदि का उस समय था नियम, तो हैजा का टीका उस समय लगता था, उसके बाद ही आगे जा सकते थे। महाराज श्रीनगर में पहुंच करके कुछ जलपान करके सभी भक्त किशोरी जी के समेत 12:15 बजे रुद्रप्रयाग पहुंच गए। ये स्थान अलकनंदा और मंदाकिनी गंगा के संगम पर देवप्रयाग से 45 मील दूर 2000 फीट की ऊंचाई पर है। वहाँ भी गर्मी की कमी नहीं रहती और दोनों गंगाओं का कलकल नाद समुद्रवत सुनाई पड़ता है। सायंकाल धूप कम हो जाने पर सभी भक्त भक्ताओं के समेत किशोरी जी संगम पर स्नान करने पधारी। महाराज ये संगम पर स्नान करना भी साहस का काम, इतनी जोर का थपेड़ा वाला पानी आता है, हर आदमी स्नान नहीं कर सकता है, लेकिन माता तो महान तपस्विनी थी, उनको तो ऐसे ही स्नान का आनंद था। मंदाकिनी गंगा का हरित वर्ण का जल अलकनंदा जी के श्वेत जल के साथ टक्कर मारते हुए शोभा प्राप्त करता है। वहाँ पर दोनों का वेग देवप्रयाग से भी अधिक उत्कट है, अतएव आवश्यकता पर काम आने के लिए यहाँ भी घाट में लोहे की सीखने जड़ी हैं, किंतु स्नान प्रायः जलपात्रों से ही लोग कर पाते हैं, जल में कोई जल्दी घुसता नहीं है। डुबकी लगाने का सौभाग्य प्राप्त करना लगभग असंभव है। वहाँ पर श्री अलकनंदा गंगा भगवान के वर्ण वाली श्री मंदाकिनी गंगा को अपने में लीन करके भागीरथी गंगा से मिलने के लिए बड़े प्रचंड वेग से दौड़ती हुई दिखाई देती हैं। घाट के ऊपर चंडिका देवी और रुद्रेश्वर महादेव का मंदिर, किशोरी जी दोनों में दर्शन पूजन का आनंद प्राप्त किए और उसके बाद विश्राम स्थान जो डाक बंगला में था वहाँ पधारे। और भक्तों रात्रि में देवप्रयाग की अपेक्षा वहाँ ठंड ज़्यादा थी। किशोरी जी प्रातःकालीन सर्वकृत से निवृत्त हो भक्त भक्ताओं समेत रिजर्व बस द्वारा सौरगढ़ चट्टी पहुँचे और वो रुद्रप्रयाग से 10 मील दूर मंदाकिनी गंगा तट पर काफ़ी ऊंचाई पर है। सायं समय किशोरी जी ने वहाँ मंदाकिनी गंगा में स्नान किया। महाराज वहाँ स्नान करना आसान थोड़े, बहुत ठंडा जल होता है, हर आदमी की हिम्मत नहीं हो सकती इतने ठंडा जल में स्नान करने की, लोग गर्म पानी ढूंढने लग जाते हैं, गर्म करवाने लग जाते हैं, बड़े साहसी लोग ही उस ठंडे जल में
स्नान कर पाते। और फिर उसके बाद अगस्तेश्वर महादेव, अगस्त जी महाराज का दर्शन किया, फिर सोरों चट्टी पहुँच करके मंदाकिनी जी के किनारे किनारे पुनः 5.5 मील पैदल चल करके तब भैरव चट्टी के नियत डाक बंगले में विश्राम किया गया। और ये स्थान 4000 फीट की ऊंचाई पर बताया गया, तो वहाँ ठंड थोड़ी शुरुआत हो गई। और 3 मील पैदल चल करके श्री गुप्त काशी में विश्वनाथ जी तथा अर्धनारीश्वर महादेव का दर्शन, और सामने हाथी की सूंड तथा गोमुख से अखंड प्रवाहित जल में आचमन करके महेश मर्दिनी का दर्शन और उनके झूले का सत्कार करती हुई किशोरी जी फाटा चट्टी पधारे। तो चट्टी वहाँ के विश्राम स्थानों को कहते हैं पहाड़ पर। और शीत की विशेषता शुरू हो गई, मार्ग में हरियाली भी कुछ अधिक दिखाई दी। और वहाँ 5,500 फीट ऊंचाई बताई गई। जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है वैसे वैसे ठंड बढ़ती जाती है। तो ये चट्टी गुप्त काशी से 7.25 मील दूर है। भक्तों, चट्टी जो बनी हुई हैं ये पैदल वालों के ज़्यादा काम की हैं। बस वाले तो निकल जाते हैं आगे अपने, जहाँ ठीक जगह देखते हैं वहाँ रुकते, लेकिन पैदल वाले चट्टियों पर ही विश्राम करते हैं। तो फिर सूर्य भगवान का दर्शन हुआ और केदारेश्वर पर्वत पर जमी हुई बर्फ वहाँ से सघन श्वेत बादलों के आकार में स्पष्ट दिखाई देती थी। सामने मंदाकिनी गंगा जी का दर्शन नीचे बहुत दूर था। उनके दर्शनों से प्रतीत होता था मानो कोई नाली में दूध बह रहा हो, ऐसी दूर से ऐसी पतली सी दिखती थी। संध्या समय समीपवर्ती पहाड़ों पर गिरी हुई बर्फ का दर्शन भी प्राप्त हो रहा था। और गंगा दशहरा होने के कारण देश काल के अनुसार लगभग 9:15 बजे किशोरी जी का पूजन करके भक्तों में खीर का प्रसाद वितरण हुआ। लगभग 10 बजे वहां से प्रस्थान करके सायं 7 बजे गौरी कुंड के नियत डाक बंगले पर किशोरी जी का पदार्पण हुआ। और वो स्थान भक्तों 6,250 फीट की ऊंचाई पर फाटा से लगभग 10 मील दूर है। अब शीत की प्रधानता चालू हो गई है। और आगे जाने के लिए फिर रात का समय हो सकता था, इसलिए रुकना पड़ गया। वो आज की तरह से न तो सड़कें थी कि बहुत थोड़े समय में, अब तो बताते हैं कि सुबह चलो शाम को बद्रीनाथ पहुंच जाओ हरिद्वार से या ऋषिकेश से। उस समय इतनी अच्छी सड़कें नहीं थी, पतली थी, सकरी सड़कें थी। और भक्तों, फिर भक्त मंडली किशोरी जी को साथ लेकर के गौरी कुंड के मुख्य स्थल पर पहुंची। वहां 2 कुंड हैं, एक खारी पीत सुखद शीतल जल से युक्त तथा कुछ दूर हट करके तप्त जलपूर्ण। दोनों में जल गोमुख से प्रवाहित होता है। लोग दोनों में ही बड़ी श्रद्धा पूर्वक स्नान करते हैं। तप्त कुंड के गोमुख से जो जल प्रवाहित होता है वो पहले असह्य ही प्रतीत होता है, बहुत गर्म लगता है, किंतु कुछ सेकंड में फिर सुखद प्रतीत होता है। तप्त कुंड से नीचे लगभग 6-7 गज पर ही मंदाकिनी गंगा जी प्रचंड वेग से बहती हैं। उनका जल बर्फ के समान ठंडा है। तप्त कुंड में स्नान करके कपड़े उन्हीं में धोने पड़ते हैं। और सुबह सुबह माता ने केदारेश्वर जी के लिए, भगवान केदारनाथ जी के लिए यात्रा प्रारंभ कर दी। चढ़ाई का सामना करना
आरंभ में तो बहुत ही अनिवार्य होता है। 7 मील की यात्रा किसी प्रकार लगभग शाम 4 बजे तक संपन्न हुई। मार्ग में मंदाकिनी गंगा के दाहिने भाग के पर्वत क्रमशः उत्तरोत्तर अधिकारी वृक्षों से सुशोभित मिलते गए और पैदल चढ़ते चढ़ते जब लोग 9,900 फीट की ऊंचाई पर पहुंच गए तब जमी ही हुई बर्फ, ये जो ग्लेशियर मिलने शुरू हुए, जिसको भक्तों ने अपनी लाठियों से खोद कर कोई तोड़ कर बड़ी श्रद्धा से उसको खाया कि भगवान का प्रसाद है। आगे पहाड़ पर वृक्षों की सघनता कम होने लगी क्योंकि बर्फ वाली जगह आ गई, तो 1 मील के बाद फिर उनका लगभग पूरा अभाव हो गया वृक्षों का, तो बर्फ ही बर्फ दिखलाई पड़ने लगी। आधा मील शेष रह जाने पर रुई के टुकड़ों के समान कोमल बर्फ की वर्षा होने लगी। पहले तो अच्छी लगी वो बर्फ की वर्षा, नए नए जो पहुँचते हैं उनको तो बहुत अच्छी लगती, किंतु उसके बाद हाथ पैर सुन्न होने लगे, तब विश्राम स्थान की जरूरत पड़ी और सभी को अग्निदेव भगवान की शरण लेनी पड़ी। आग मिल जाए तो किसी तरह जान बचे, और महाराज वो पहाड़ जो है बर्फ से ढके चारों तरफ सुंदर चमकते दिखते हैं, और घरों की नालियों में संगमरमर के पत्थर के जैसे बर्फ दिखलाई पड़ती है। वहाँ की ऊंचाई लगभग 12,000 फीट है, 11,750 फीट। सभी ने सायं 8 बजे केदारनाथ भगवान की आरती का दर्शन किया और बर्फ से आच्छादित पर्वत बहुत मनोहर प्रतीत हो रहे थे, और ठंड कितनी थी वो तो जो वहाँ पहुँचता उसी को पता चलता है, बहुत तेज ठंड। यहाँ तक कि शौचादि क्रिया में भी हाथ सुन्न हो जाते हैं, बिल्कुल किसी प्रकार से सब कार्य होता है। फिर गर्म जल की आवश्यकता पड़ जाती है नहाने के लिए, और जिन्होंने हठपूर्वक मंदाकिनी जी में अथवा नल पर ही स्नान किया उनकी दशा बिगड़ गई। फिर आग के द्वारा विशेष उपचार होने पर किसी प्रकार पूर्व स्थिति को प्राप्त हुए। किशोरी जी भक्तों के समेत 8 बजे केदारेश्वर भगवान के मंदिर पधारी। मंदिर के सामने नंदीश्वर जी विराजमान थे। प्रथम द्वार के भीतर 5ों पांडवों सहित कुंती मैया तथा द्रौपदी जी का पृथक पृथक दर्शन था। द्वितीय द्वार के बीच काठ का जंगला लगाकर उसे 2 भागों में विभक्त कर रखा था। दाहिने भाग से यात्रियों को चिट्ठी के क्रमानुसार केदारनाथ जी के पूजनार्थ उनके मुख्य गर्भ मंदिर में ले जाया जाता था। पार्वती जी का दर्शन कराते हुए उन्हें बाएं द्वार से निकालते थे, इसलिए सभी यात्रियों को दर्शन पूजन का समुचित समय प्राप्त हो जाने से विशेष संतोष था। अब तो भक्तों बहुत भीड़ होती, उस समय ऐसी भीड़ नहीं होती थी। माता किशोरी जी भक्त मंडली समेत मंदिर में पधारी। पुजारी ने विधि पूर्वक पूजन कराया। सभी भक्तों ने घृत से केदारनाथ भगवान का लेप किया। फिर मुख्य जगमोहन में आकर द्वार के बाएं भाग से निकलते हुए स्वर्ण विग्रह श्री पार्वती जी का पूजन करके दूसरे जगमोहन में पृथक पृथक सभी पांडवों का दर्शन, और पांडव लोग गलने के लिए वहाँ आए थे भक्तों में, इसलिए उनका भी स्थान बना हुआ है। मंदिर की परिक्रमा में ईशानेश्वर महादेव का दर्शन हुआ। भक्तों एक फलाहारी बाबा उन दिनों रहते थे, 2 वर्ष से वहीं रह रहे थे महाराज, बहुत
साहस का काम है वहाँ पर रहना, एक दिन में आदमी घबरा जाता है। 2 वर्ष रहे महाराज वो, माता उनका दर्शन करने गई, अथवा यूं कहिए कि उनको दर्शन देने गई। वहाँ से विश्राम स्थान पहुँचते ही मखाने के लावों के सदृश बर्फ की सुखद वर्षा शुरू हो गई। ऐसा लगता है जैसे मखाने गिर रहे हैं ऊपर से, और थी वो सब बर्फ। लेकिन लोगों को इतना आनंद आ रहा था कि वो भूल गए कि हम बहुत भारी ठंड में हैं। और लोगों ने बताया कि इस वर्षा के पश्चात बर्फ गिरती है जो यात्रियों के लिए कष्टकर होती है। ऐसा सुन करके उसी समय लगभग 11 बजे दिन में वहाँ से प्रस्थान कर दिया गया। और उसके बाद महाराज फिर किस प्रकार की बारिश हुई आप समझिए, जैसे होम्योपैथी की गोली होती ना छोटी छोटी बिल्कुल सफ़ेद वाली, ऐसी बारीक गोलियाँ ऊपर से गिर रही थी बर्फ की। और उनसे कपड़े भी नहीं भीग रहे थे, बस वो गिरती दिखती थी, हाथ पर चाय ले लो, झाड़ दो हाथ पर लेकर। और कुछ आगे बढ़ने पर बूंद के आकार में बर्फ गिरती हुई, पानी बरसता था फिर बर्फ हो जाता था, और फिर उसके बाद हरियाली शुरू हुई। नीचे जब चलने लगे, केदारेश्वर से 3 मील दूर श्री राम बाड़ा चट्टी पर प्रसाद सेवन करके किशोरी जी लगभग 5 बजे सायं गौरी कुंड पधारी और आचमन करके वापस विश्राम के लिए डाक बंगला पहुंच गए, जहां रुका हुआ स्थान बनाया गया था रुकने का, रामबाड़ा से 4 मील दूर। और प्रातः गौरी कुंड में स्नान करके किशोरी जी गिरिराज कुमारी का दर्शन करके फाटा चट्टी को प्रस्थित हुई, और बीच में कुछ भक्तों के साथ त्रिभुवी नारायण के दर्शन के लिए प्रस्थान किया। चित्तजोगी नारायण हर यात्री नहीं जाते, भक्तों कठिन है थोड़ा, तो वहाँ जाने में 1.5 मील की कड़ी चढ़ाई पड़ती है ना, यही कठिनाई है, 1.5 मील की खड़ी चढ़ाई, सब आदमी की हिम्मत नहीं होती जाने की, देख करके ही घबरा जाते हैं, इतनी कड़ी चढ़ाई, 1.5 मील की। त्रिजुगी नारायण मुख्य मार्ग से 3 मील अलग है, वहाँ भगवान शिव जी के साथ पार्वती जी का विवाह हुआ था, तो बहुत हिम्मती आदमी चढ़ जाता है, और लोग तो नीचे से ही प्रणाम करते हैं। उनके वैवाहिक हवन कुंड की अग्नि को महाराज अब भी बताते हैं कि जलती रहती है। मंदिर श्री लक्ष्मी नारायण जी आदि की झांकी भी है, मंदिर के द्वार पर श्री गणेश जी और क्षीरसाई भगवान विराजमान है। सामने तथा दाहिने भाग में ब्रह्मकुंड, रुद्रकुंड, विष्णुकुंड, सरस्वती कुंड, ये कुंड 4 इतनी ऊंचाई पर, और सभी में आचमन करके किशोरी जी ने विवाह मंडप जो भगवान शिव पार्वती का था वहाँ पर भक्त भक्ताओं के समेत शिव उमा महेश्वर की पूजा और आरती की। वहाँ से 3 मील पुनः नीचे लौट करके प्रधान मार्ग द्वारा श्री सीतापुर पहुँचे। भक्तों में फिर सत्संग की भी इच्छा हुई, माता कृपा करें, और कुछ स्वल्पाहार भी प्राप्त हुआ वहाँ, और फिर रामपुर होती हुई 6 बजे संध्या समय फाटा के डाक बंगला में पधारी। किशोरी जी के साथ त्रिजुगी नारायण गए हुए भक्तों ने 16 मील की और शेष भक्तों ने 10 मील की यात्रा की। किशोरी जी के फाटा पधारते ही वर्षा प्रारंभ हो गई, और लगभग 7 बजे प्रातः फाटा से प्रस्थान हुआ। फिर भी सूर्य की गर्मी क्रमशः बढ़कर कष्ट देने लगी, अतएव श्री नारायण कोटि होते हुए किसी प्रकार 7 मील दूर गुप्त काशी पहुंचकर सभी ने श्री विश्वनाथ जी और अर्धनारीश्वर नटेश्वर भगवान का दर्शन पूजन करके प्रसाद सेवन किया।
लगभग 3 बजे वहाँ से प्रस्थान करके मातेश्वरी श्री किशोरी जी मार्ग में तेजपात, भोजपत्र और चीड़ आदि के विशेष वृक्षों का अवलोकन करती हुई आगे बढ़ी। तब तो भगवान इंद्र भी छाया करने लगे, बादल दिखलाई पड़े ऊपर। वायु देवता ने धीरे धीरे अपना सुखद शीतल संचार प्रारंभ करके यात्रा को सुखद बना दिया। अतएव सायं 5 बजे किशोरी जी आनंद के साथ भीरी के डाक बंगला में आकर के विराजी। ये गुप्त काशी से लगभग 3 मील दूर है। और भक्तों, भीरी से फिर प्रस्थान हुआ प्रातः काल, और 3 मील नीचे आते ही फिर पेड़ मिलने लगे, आम के, अड़ूसा, पीपल आदि के, और सूर्य भगवान की किरणें तब तीखी लगना शुरू हो गई। और विवस्था के कारण श्री अगस्त मुनि नाम की चट्टी जो थी वहाँ होते हुए उस दिन 1 बजे दिन में सौरगढ़ निश्चित जो डाक बंगला था वहाँ विश्राम किया गया। और अब तो काफ़ी नीचे आ गए थे इसलिए वो ठंड बर्फ वाली कहीं नहीं थी, हाँ हल्की सी ठंडी हवा रात में मिलती थी। मंदाकिनी गंगा जी का दर्शन और उनका कल कल शब्द लगभग पहले जैसा सुनाई पड़ रहा था। लगातार महाराज 3 दिनों तक अधिक लंबी यात्रा करने के कारण सभी लोग बहुत थक गए थे। अतएव यात्रियों को केवल सायं प्रातः ठंडे समय में ही यात्रा करनी चाहिए, अब दोपहर की धूप में यात्रा करने की हिम्मत नहीं हो रही थी। और समय पर स्वच्छ, हल्का और हृदय पुष्टिकारक भोजन जरूरी था। इस प्रकार का भक्तों ने इंतजाम भी किया था। और महाराज कह दस्त होने, बुखार होने की संभावनाएं भी उस एरिया में थी, ऊंचाई और मौसम के अनुसार। मार्ग में बहुत सी हितकर बातें स्वास्थ्य विभाग की ओर से सावधानी के लिए थोड़ी थोड़ी दूर पर पत्थरों पर लिखी थी। और माता सीरगढ़ से 11 बजे की बस द्वारा चलने पर आधे घंटे में रुद्रप्रयाग पहुंच गई। वहाँ से 2:15 के गेट द्वारा विदा होकर के लगभग 4:30 बजे कर्णप्रयाग में पहुंचकर सभी भक्तों के साथ किशोरी जी का निवास हुआ। ये रुद्रप्रयाग से 22 मील दूर है भक्तों। और कर्णप्रयाग अच्छा लगता है, सुंदर जगह है, ऊंचाई पर है लेकिन दृश्य बहुत सुंदर है। वहाँ पर निवास हुआ माता का। तो अभी हम अपने इस चरित्र वर्णन में माता को कर्णप्रयाग में विश्राम दिला करके वाणी को विश्राम दे रहे हैं। आगे फिर सुनाएंगे आपको। श्री राधे राधे, जय श्री राधे राधे।